ये एक पालतू बंदर है जिस बेचारे को कोई मंदिर में छोड़ गया था। हम लोगों ने जब इसे देखा तो इसे बाहर निकाला, और क्योंकि इसे बंदर काट रहे थे इसलिए बहुत सारे जो जंगली बंदर होते हैं वो पालतू बंदरों को जीने नहीं देते, इसलिए ये बेचारा हमारे पास आ गया। लेकिन जिसने भी ऐसा किया वो ठीक नहीं किया, क्योंकि पालतू बंदर को इस तरह से छोड़ देना, किसी भी जानवर को अगर आप पालते हैं और इस तरह से छोड़ दें तो ये ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये किसी के साथ भी गलत है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। या तो आप उसे पालिए मत, और अगर पालते हैं तो इस तरह से अकेला मत छोड़िए। तो इस बेचारे की देख रेख कर रहे हैं, ये बेचारा बार बार डर के भाग जा रहा है, क्योंकि ऊपर से जो पेड़ पर जो बंदर बैठे हैं वो इसे जो है जीने नहीं दे रहे। काफ़ी देर से काट रहे थे, बचाया हम लोगों ने, और अब ये बार बार रोड पे भाग रहा है। और इस तरह से तो इसकी जान को भी खतरा है। एक बार मैं पकड़ के ला चुका हूँ, इसे पकड़ के लाया था आखिरकार, फिर इसको पकड़ के बैठाया, फिर ये भाग गया। फिर एक बार पकड़ के लाए हैं ये अंकल ऊपर से, फिर ये भागा। उसके बाद इस बार पकड़ के लाए हैं तो इसको थोड़ा सा बांध लेते हैं। बांध देंगे तो ये रहेगा कि ये भाग नहीं पाएगा और इसकी सेफ्टी बनी रहेगी, इसकी जान बच जाएगी कम से कम। अंकल ने निर्णय लिया है कि वो इसे अपने साथ ले जाएंगे और वो इसे पाल लेंगे। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस बेचारे की जान बची रहेगी। अगर इस तरह से ये खुली सड़क पे घूमेगा टहलेगा तो इसकी जान को खतरा है, मर सकता है ये। तो सबसे अच्छी चीज़ ये भी रहेगी कि अगर एक पेट कोई एनिमल है तो बढ़िया है, घर में रहेगा। और ये वैसा बंदर नहीं है कि काटे बार बार किसी को। मैंने देखा काफ़ी देर से जिस किसी के भी पास चला जाता है, बैठ जाता है छुप करके, क्योंकि उसे भी अपनी जान बचानी है दूसरे बंदरों से। यहाँ पे ये देखिए, इस बेचारे को पता है सेब भी हमने पहले भी देने की कोशिश की तो खा नहीं रहा था ये। बड़ी मुश्किल से इसने थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद फिर छोड़ दिया बंदरों के डर से। ऊपर से बंदर इसको कई बार अटैक कर चुके हैं, हमला कर चुके हैं इसके ऊपर, लेकिन ये बेचारा जो है बचता बचता अपनी जान किसी भी तरीके से इसने पहले बचाई। पहले तो उस जब ये मंदिर के अंदर था तो उस समय तो इसको कोई देख भी नहीं रहा था। मंदिर के पंडित ने उठ के भी नहीं देखा इसे एक बार भी कि यहाँ बंदर इतना शोर मचा रहे हैं। मैं यहाँ से रास्ते से गुजर रहा था, मैंने अचानक बाइक रोकी और इस बेचारे को देखा, नज़र पड़ी, मैंने गेट खटखटाया, दूसरे बंदरों को भगाया। और बंदरों से लड़ाई करना आप जानते हैं ख़तरनाक होता है, वो मुझे भी काट सकते थे, काफ़ी अटैकिंग मूड में थे। बेचारा घायल है, देखिए किस भूखा भी है बेचारा। काफ़ी पानी दिया मैंने, इसने पिया नहीं, बाद में खुद ही जब इसे ज़्यादा प्यास लगी होगी तब जा कर के इसने थोड़ा पानी पिया। बार बार ऊपर ही देख रहा था, बिल्कुल हैरान परेशान था। सड़क पे जिस तरह से ये इतना ट्रैफिक में भागा था, मैं तो डर गया था कि ये गया ट्रक के नीचे, ये